दुकानदार भैया इतना धूप में पाट को सुखाने दे रहा है। वाह, तुम्हारा भाई को भूख लग गया था इसीलिए घर आके मुरी खा के खाना बनाना शुरू कर दिया। आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने लिए मिनी व्लॉग कैसे बना सकते हो। मतलब कि अभी आपको समझ में नहीं आता, देखो व्लॉग कई प्रकार के होते हैं। एक व्लॉग वो होता है जो आप मतलब पूरा ब्यौरा देके बना सकते हो, मतलब कि 5, 10, 20, 25 जितना मन करे आप उतना बना सकते हो। लेकिन अभी के टाइम पे क्या चल रहा है कि मिनी ब्लॉग सबसे ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है और वीडियोस वायरल होती जा रही है। तो आप कैसे बना सकते हो इस तरीके का वीडियो, आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। देखो यहां पे बहुत सारे जो व्लॉगर्स हैं जो मिनी व्लॉग बनाते हैं उनका चैनल आज के टाइम पे पीक पे है। जैसे कि यहां पे आप रिजल्ट साइड में देख सकते हो, बहुत सारे चैनल हैं जिनके वीडियोस पे मिलियन में व्यू जा रहे हैं, क्योंकि वो वीडियो शॉर्ट से जाती हैं और बंदे एक मिनट के अंदर ही सब कुछ देख लेता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में बताता हूं कि आप मिनी व्लॉग कैसे बना सकते हो। तो चलिए शुरू करना क्या है, मिनी व्लॉग बनाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप अगर अपने देखो ब्लॉग बनाने के लिए क्या होता है कि आप डेली उठो और जो भी आप करते हो उसका वीडियो बनाओ, वो मैं आपको प्रोसेस आगे बताऊंगा। बट यहाँ पे आपको कैमरा कैसे पकड़ना है, क्या करना है, उसको समझा देता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो आपको अपने फोन के कैमरे को स्टार्ट कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे तुम्हारे भाई ने कर लिया। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आप अपना आगे वाला कैमरा ऑन कर लेते हो और उसके बाद कुछ इस तरीके से वीडियो बनाते हो। जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से करके, हाय गाइस मैं यहाँ घूमने जा रहा हूँ, ये वो इतना करना है। लेकिन आपको यहाँ पे ये चीज नहीं करनी है, क्योंकि आपके आगे वाला जो आपका कैमरा होता है उसकी क्वालिटी बहुत ही गंदी होती है। आपका जो कोई भी कैमरा हो, मतलब कोई भी फोन हो, उसका पीछे वाला कैमरा एकदम फाड़ू होता है और थोड़ा सा अगर उसमें ब्लर वलर करता हो तो एक नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको करना है क्या, आपको कैमरा को कुछ इस तरीके से पकड़ना है, जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, ठीक है। तो इससे आपका जो वीडियो बनेगा वो एक नंबर का बनेगा, देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से बनाना है और आपको आगे चलना है कुछ इस तरीके से, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप ऐसा बनाओगे ना तो आपकी वीडियो जो बनेगी ना एकदम HD क्वालिटी में और एकदम मस्त बनेगी। सुबह में उठे 10 सेकंड की वीडियो उठा ली कि हाय गाइस मैं उठ रहा हूँ, फिर उसके बाद आप मैं भैंस चराने जा रहा हूँ, गाय चराने जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं चाट खाने जा रहा हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं पार्क जा रहा हूँ, तो जो भी आपका टॉपिक हो वो आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से शूट करना है और जब आप शूट करोगे तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आप थोड़ा सा फनी वे में बोलना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के, मतलब कि थोड़ा सा एक्टिव मूड में बोलना। ऐसा नहीं कि हाय गाइस मैं अभी उठा हूं तो मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा एकदम चेहरे पे रौनक ला के फिर बोलना। उसके बाद आपको एडिट करना है, ठीक है। जो भी आपने पार्ट को शूट किया है उसको आपको एडिट किया करना है और एडिट करने के बाद आपको उसमें 2-3 मीम्स को ऐड करना है और वॉइस ओवर करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, अब यहाँ पे मिनी ब्लॉग बनाने के लिए आप कोई भी एप्लीकेशन ले सकते हो, एडिटिंग का सॉफ्टवेयर कोई सा भी ले सकते हो, चाहे वीजन हो, कैपकट हो या फिर काइन मास्टर। सिंपल से आपको उसको ओपन करना है और क्रिएट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये वाला रेशियो 9:16 वाला रेशियो सेलेक्ट करना है, ठीक है, 48 वाला। तो यहाँ पे हम इस पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब जो हमने वीडियो को शूट किया है उसको आपको ले लेना है। तो ऑलरेडी मैं एक वीडियो एग्जांपल के लिए आपको चूज करके बताता हूँ, मैंने जो है वो उसको यूट्यूब से लिया है, ठीक है। तो ये भाई जो है वो मिनी ब्लॉग बनाता है, इसका नाम है ऑल ब्लॉग्स, ठीक है। ये चैनल इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे ब्लॉग्स डाल रहा है, मिनी ब्लॉग डाल रहा है, ठीक है। 60 सेकंड का वीडियो ये बनाते हैं, ठीक है, और अपना जो डेली ये काम करते हैं वो बनाते हैं। अब इनके वीडियोज़ में खासियत ये होता है कि इनके वीडियो में ये जो काम करते हैं ये फनी वे में काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं वीडियो प्ले करता हूँ और आप एक बार देख लो। आज तुम्हारा भाई जाएगा पैसा कमाने के लिए, क्योंकि मुझे आईफोन 14 प्रो मैक्स लेना है। आज इतना गर्मी की वजह से काम पे जाना कैंसिल हो गया, लेकिन देखा ये दुकानदार भैया इतना धूप में पाट को सुखाने दे रहा है। वाह, तुम्हारा भाई को भूख लग गया था इसीलिए घर आके मुरी खा के खाना बनाना शुरू कर दिया। तो इससे आप क्या समझे, मतलब कि आप देख रहे हो कि ये पहले बंदा वो काम करता है जो भी इसको करना होता है, ये छोटी छोटी क्लिप को शूट करता है, जैसे 5 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड ऐसे, मतलब थोड़ा थोड़ा क्लिप करके ये 60 सेकंड तक वीडियोस को बनाता है, ठीक है। छोटा छोटा काम करके कहीं खेत में चला गया या फिर कहीं कुछ भी खा रहा है या फिर कहीं दोस्त से मिलने चला गया या फिर कुछ भी, तो ये रैंडमली कुछ भी बोलता है और कुछ भी करता है। जैसे कि अपने दादाजी को ये बोल देता है क्या टाइगर श्रॉफ बैठे हैं मुझसे बहस कर रहे हैं, दादी को बोलता है आज के पास आया हूँ, ये हीरोइन के पास आया हूँ, ऐसा कुछ बोलता रहता है, ठीक है, तो फनी लगेगा। फिर बाद में ये बीच बीच में मीम्स और फिल्टर्स ऐड कर देता है। तो क्या करना है, और इसकी वीडियो में एक चीज़ और होता है स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐड करना है, ठीक है, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग मतलब पार्ट को ऐड करना है। वो कैसे ऐड करना है चलिए वो बताता हूँ। मान लो आपको एक और क्लिप यहाँ पे ऐड करना है, तो मीडिया पे जाना है और जो भी क्लिप आपको चाहिए वो क्लिप आपको उठा लेना है। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपका क्लिप यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल लिए समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका एक क्लिप आ गया, देखो। तो आपको ऐसे ऐसे करके क्लिप को ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, जब आपका क्लिप ऐड हो जाए, ठीक है, मान लो ये बंदा जैसे कि अलग अलग क्लिप
मान लो ये वीडियो पहले इसने दिन में शूट किया होगा, फिर यहाँ पे आपको ये कुछ इस तरीके का ये सीन ऐड किया, दूसरा क्लिप ऐसे ही इंपोर्ट किया होगा, फिर तीसरा क्लिप इसने कुछ इस तरीके से इंपोर्ट किया है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसने अलग अलग क्लिप को, जैसे मैंने बताया कि मीडिया पे क्लिक करके आपको अब मीडिया पे जाना है और यहाँ पे जाके आपको जो है वो क्लिप्स को इंपोर्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक दो क्लिप और ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि ये वाला क्लिप, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग क्लिप्स ऐड करता है ये बंदा। उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपल से आपको इनकी स्पीड को जो है वो तेज कर देना है। तो स्पीड को तेज करने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको सिंपल से अपने वीडियो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सिंपल से स्पीड पे जाना है और यहाँ पे आपको इसकी स्पीड को बढ़ा देना है, मतलब जो आपकी वीडियो रहेगी उसकी स्पीड को बढ़ा देना है। इससे आपका सेकंड कम हो जाएगा और वीडियो पूरी की पूरी आ जाएगी आपकी वीडियो में। अब यहाँ पे आप सेकंड जब आप फास्ट कर दोगे तो आपकी वीडियो फास्ट हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से वीडियो आपका सेकंड कम हो जाएगा और आपका पूरा काम भी दिख जाएगा वीडियो के अंदर। तो आपको पहली चीज ये करनी है, अपने वीडियोस को ऐड करना है, दूसरा स्पीड बढ़ाना है, सुनते जाना है, स्पीड बढ़ाना है मिनी व्लॉग के लिए। उसके बाद जब आप स्पीड बढ़ा दोगे तो यहाँ पे आपका सारा का सारा काम हो गया। अब ये काम होने के बाद मान लो ये आपकी वीडियो है और यहाँ पे आपने जो है वो स्पीड भी बढ़ा दी, वीडियो भी ऐड कर ली। अब मान लो यहाँ पे आपको जो है वो कुछ इस तरीके से इसके बीच में जो है वो कट लगाना है। तो कट कैसे लगाना है वो बताता हूँ। मान लो आपकी ये वीडियो है, आपने क्लिक किया और यहाँ से आपको कुछ फालतू भाग हटाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से आना है, ठीक है। मान लो आपको राइट साइड काटाना है तो आपको कैची वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे ट्रिम राइट लिखा है तो आपको ट्रिम राइट पे क्लिक कर दोगे तो जो राइट का भाग है फालतू का वो हट जाएगा। अगर आपको लेफ्ट का हटाना है तो आपको कैची पे फिर से जाना है और ट्रिम लेफ्ट दिखेगा तो फिर लेफ्ट से हटा देना है। अब यहाँ पे एक बंदे और पूछेंगे कि भैया अगर बीच का पार्ट हट रहा हूँ तो उसके लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पे आपको आ जाना है सिंपल से बीच में ये एरो लेकर, उसके बाद यहाँ पे कैची पे जाना है और यहाँ पे स्प्लिट दिखेगा कुछ इस तरीके से, इसके ऊपर क्लिक करना है, थोड़ा सा आपको आगे बढ़ाना है। उसके बाद जहाँ से भी आपको जितना भी हटाना है, राइट काटाना है तो राइट पे क्लिक करना है, लेफ्ट काटाना है तो लेफ्ट पे क्लिक करना है। तो मान लो हमको जो है वो लेफ्ट काटाना है तो लेफ्ट पे क्लिक करते हैं, फालतू का भाग हट जाएगा आपका। कुछ इस तरीके से आप जो है वो अपनी वीडियो पे कट लगा सकते हो, ऐड करना है अपने वीडियो के हिसाब से मीम्स को। अब मीम्स आपको कहाँ से मिलेंगे, तो आप मीम्स को जो है वो यूट्यूब से ले सकते हो, पूरा बंडल मिलता है। आप वहाँ पे डालोगे फनी मीम्स, ठीक है, वीडियो क्लिप्स, जैसे ही आप डालोगे वहाँ पे आपको मीम्स मिल जाएंगे। अब उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, किसी भी माध्यम से। अब यहाँ पे आपको सिंपल से करना क्या है, अब मीम्स को कैसे ऐड करना है, सिंपल वे में है, आपको मीडिया पे जाना है और जो भी मीम्स आपको अच्छा लगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने बंडल डाउनलोड किया, मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरीके से जानता हूँ। ये देखिए, मान लो ये क्लिप है, ठीक है, यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे ये बोलते हैं ये बहुत गधे बच्चे हैं, देखो। अरे महाराज ऐसे नहीं बोलेंगे, बहुत बदतमीज है ये लोग। अब जैसे कोई बदतमीज वाली बात है तो बीच में आपको इसको ऐड कर देना है। तो आपको यहाँ पे इतना लंबा है तो इतना लंबा नहीं रखना है, आपको छोटा सा रखना है। तो यहाँ पे आपको कैची पे जाना है, लेफ्ट से ट्रिम कर देना है और जहां तक आपको रखना है वहीं तक रखना है। उसके बाद यहाँ से आपको राइट से ट्रिम कर देना है, हो गया आपका। आपके वीडियो में बीच में जो है वो मीम्स लग गए हैं, देखो, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये देखो कुछ इस तरीके का आपका वीडियो रहेगा। मान लो मैं एग्जांपल की तरह समझा रहा हूँ, आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या फिर से देखो, यहाँ पे मेरी क्लिप आई, फिर बीच में मीम आया, फिर उसके बाद फिर से मेरी क्लिप आ गई। तो कुछ इस तरीके से आप अपने वीडियोज में जहाँ पे भी आपको जरूरत हो कुछ इस तरीके से आप जो है वो मीम्स को ऐड कर सकते हो, जहाँ पे आपको लगता हो कि हाँ यहाँ पे चाहिए, बस आपको वीडियो पे जाना है और उसके बाद यहाँ पे मीम्स को सिलेक्ट कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से आप मीम्स को सिलेक्ट कर सकते हो, देखो यहाँ, मान लो ये हंसने वाला, ये हमारी वीडियो, सारे जो है वो वीडियो देखे। तो कुछ इस तरीके से आप मीम्स को ऐड कर सकते हो अपने वीडियोस के बीच में, यहाँ से कट लगाना है। अब यहाँ पे मान लो आपका सारा काम हो चुका है, आपने मीम्स लगाना सीख लिया, आपने स्पीड बढ़ाना सीख लिया, यही दो काम होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिप्स ऐड करना सीख लिया। अब यहाँ पे आपको एक चीज और करना है, अब आपको वॉइस ओवर कहाँ से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। वॉइस ओवर आपको सबसे पहले आ जाना है जहाँ पे आपका टॉपिक होता है, मतलब जहाँ से आपकी वीडियो स्टार्ट हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको सिंपल से चले जाना है, ये रिकॉर्डिंग का बटन दिख रहा है इसके ऊपर, और जैसे यहाँ पे आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपकी रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं करता हूँ स्टार्ट, हो सकता है स्क्रीन रिकॉर्डर सपोर्ट करे या ना करे, मैं देखता हूँ। सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे सारे, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। गाइस मैं आज जा रहा हूँ घूमने और मैं घूमते घूमते मिला अपने टुन्नू भाई से, और टुन्नू भाई ने मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, और आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करें। अब यहाँ पे आपका जब बात खत्म हो जाए तो यहाँ से स्टॉप कर देना है। अब स्टॉप करने के बाद इस तरीके से आपका वॉइस ओवर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, देख सकते हो कुछ इस तरीके से वॉइस ओवर आपके वीडियो में लग जाएगा। और हाँ, एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि जो आपके व्लॉग का वीडियो, मतलब जो आपका व्लॉग का वीडियो, उसको आपको मेन वीडियो को आप पे मिक्सर पे जाके इसके वीडियोस के वॉइस को बंद कर देना है। सिंपल से वीडियो पे क्लिक करके मिक्सर दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करके इसको जो है वो कुछ इस तरीके से बंद कर देना है, ठीक है। सिर्फ मीम्स के आवाज़ को नहीं बंद करना है, बाकी सब बंद करके फिर यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से आपका जो टॉपिक रहेगा,
आपको वैसे ही मिक्सिंग का वॉइस ओवर कर लेना है, जैसे कि ये बंदा कर रहा है। देखो अलग अलग स्किप्स लगा रखे हैं और कुछ इस तरीके से यहाँ पे बोल रहा है। देखो इतना गर्मी की वजह से काम पे जाना कैंसिल हो गया, लेकिन देखा ये दुकानदार भैया इतना धूप में पाट को सुखाने दे रहा है। वाह, तुम्हारा भाई को भूख लग गया था इसीलिए घर आके भूरी खा के खाना बनाना शुरू कर दिया कि आज मम्मी थोड़ा सा काम पे बिजी। बस कुछ है नहीं, इसने इस बंदे ने जो है वो क्लिप्स को ऐड किया, स्पीड को तेज किया, बस वॉइस ओवर करी है और थोड़े से मीम्स को ऐड किया है, बस बाकी कुछ भी नहीं किया है। बहुत ही आसान है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया इस तरीके से आप जो है वो मिनी ब्लॉग्स को बना सकते हो। कुछ भी नहीं रखना है, बस क्लिप्स ऐड करनी है जो भी आप रोज करते हो डेली, ठीक है। आपको फनी चीज करना है, कुछ भी बकचोदी कर देनी है उसको आपको ऐड करना है, ठीक है। उसमें स्पीड बढ़ाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको जो है वो कट वट लगा देना है जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल से वॉइस ओवर कर देना है और कुछ भी नहीं करना है, बस आपको वीडियो को सेव कर लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये देखो वॉइस ओवर कर रखा है, आप वॉइस ओवर देख सकते हो यहाँ पे कर देना है। उसके बाद आपका जो ब्लॉग है वो पूरी तरीके से बनके तैयार हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने दोनों क्लिप ऐड किए, जैसे कि यहाँ पे इसको भी दिखाया कि इसमें सिर्फ नहा रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है और बकचोदी कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको सिंपल से ये एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेव एज वीडियो पे क्लिक करके आपको अपनी वीडियोस को सेव करना है और जहाँ पे भी अपलोड करना है वहाँ पे आप कर सकते हो।